Hello everyone, I am Saveri Sargam and I am your mentor for your UGC NET Economics exam. In this video, we are going to cover a 5 question series which we are going to continue till your exam. As you all must know that the notification of your exams are out and you would be expecting an exam in late March or early April. So let us get into the video, and if you have not subscribed to our channel, please do and please press the bell icon. हम ये जो 5 क्वेश्चन सीरीज है ये तब तक चलाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता. ऑल्सो डू ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप, यू विल फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. दीज टेलीग्राम ग्रुप आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वंस यू ज्वाइन इट यू विल गेट टू नो दैट वी कंडक्ट अ डेली क्विज देयर एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद आर क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज. सो ऑप्शन 1 इज सॉल्ट, ऑप्शन 2 इज टेलीफोन, रेयर डायमंड एंड 4th इज कोविड वैक्सीन. सो योर ऑप्शन इज ओनली 1 एंड 3, दैट इज सॉल्ट एंड रेयर डायमंड. बी पार्ट इज 2, 3, 4, दैट इज टेलीफोन, रेयर डायमंड एंड कोविड वैक्सीन. सी पार्ट इज ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड डी पार्ट इज नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी इज द दैट द इंडिविजुअल डिमांड इज इफेक्टेड बाय द अदर्स बिहेवियर इन द इकोनॉमी एंड दैट कम्स इन अंडर अ अम्ब्रेला टर्म ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हेयर ओनली. वेन एवर वट एवर द सोसाइटी इज कंज्यूमिंग एंड इट इफेक्ट्स माई डिमांड, इट इफेक्ट्स माई कंज्यूमर बिहेवियर, देन इट कम्स अंडर द नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी. Now, for example, there is a trend that everybody is wearing bell-bottom jeans. Now, I would also start demanding the bell-bottom jeans. Also, these popular trends explain the network externality. There are more effects related to it. Let's understand these effects also. यहीं से आपकी सारी revision हो जाएगी. The second effect is snob effect. Snob effect का मतलब होता है कि जब भी कोई ऐसी rare चीज है, for example, rare diamond है, जब भी रेयर डायमंड की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी सो जो मेरी उससे वैल्यू है, जो मेरी यूटिलिटी है उससे, वो डिक्रीज कर जाएगी बिकॉज जो रेयरनेस है उस डायमंड की वही चली गई. सो माय डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड इज गोइंग टू फॉल. दिस इज स्नॉब इफेक्ट. नेक्स्ट इज द बैंड वैगन इफेक्ट. बैंड वैगन इफेक्ट मीन्स कि जब किसी और की डिमांड कोई पर्टिकुलर चीज कर रहा है वो डिमांड, तो मेरी डिमांड उससे इंक्रीज कर जाए. फॉर एग्जाम्पल बेल्ट बॉटम जीन्स का ही जो हमने एग्जाम्पल लिया है, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. इट ऑल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी. लेट्स मूव ऑन टू द आर क्वेश्चन. कोविड वैक्सीन इज अ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि फर्स्टली जब मैं अगर वैक्सीन लेती हूँ देन आई एम ऑल्सो हेल्पिंग समवन एल्स टू स्टे सेफ फ्रॉम द कोविड पैंडमिक. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज वेन एवर आई टेक वैक्सीन आई ऑल्सो एनकरेज समवन. जो वैक्सीन हेजिटेंसी का पॉइंट है वो भी इससे केटर हो जाता है. सो इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी. Secondly, there we have rare diamond. Now, rare diamond comes under the effect of snob effect, which we just discussed. So, rare diamond is also a network externality. Then we have telephone. टेलीफोन इज अ क्वाइट ईजी काइंड ऑफ नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी. अगर आप ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर एक ही बंदे के पास टेलीफोन होगा देन उसका कोई भी यूटिलिटी नहीं है. टेलीफोन को यूज करने के लिए, टू यूज अ टेलीफोन नेटवर्क, यू नीड अदर पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी. सो टेलीफोन इज ऑल्सो आर नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी. फर्स्ट इज सॉल्ट. नाउ सॉल्ट जो है वो एक नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी नहीं है, क्योंकि मेरे बिहेवियर से आप कितना सॉल्ट कंज्यूम करेंगे या आपको कितना सॉल्ट पसंद है अपने खाने में वो इफेक्ट नहीं होगा. तभी वी इसे नमक स्वाद अनुसार डालें. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड वील कैरी ऑन विद आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. पिक द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द डिराइव डिमांड. नाउ दिस इज अ रादर ईजी क्वेश्चन. लेट अस अंडरस्टैंड द डिराइव डिमांड. यू कीप ऑन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट वट इज द आंसर. So the derived demand is a term in the economy that describes the demand for a certain goods or services that resulting from the demand of the related or the necessary goods or services.
अब आप ये ऐसे समझिए कि जैसे लेबर की डिमांड है, दैट विल इंक्रीज वंस द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीजिंग विद देयर डिमांड्स. अगर गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगी, तो जो उससे डिराइव डिमांड है एक लेबर की, वो भी इंक्रीज करेगी. नाउ हेयर द लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि वो इंक्रीज तभी हुई जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड्स बढ़े. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज होम लोन्स, क्योंकि होम लोन्स की डिमांड तभी बढ़ी व्हेन यू सेड कि होम्स की डिमांड थी, तभी होम लोन्स की डिमांड होगी. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू फॉर एडम स्मिथ इन द वेल्थ ऑफ नेशन? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू रिमेन अनसॉल्व. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू एक प्रॉब्लम है जो कि एडम स्मिथ ने फेस करी. वो उसकी बुक में द वेल्थ ऑफ नेशन में उसने मेंशन की है कि ये मुझे प्रॉब्लम है एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस, दिस इज अ पैराडॉक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू की डेफिनेशन ही देख लेते हैं. पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को वी ऑल्सो से कि दिस इज डायमंड वाटर पैराडॉक्स. तो हम डायमंड वाटर के एग्जाम्पल से ही इस पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को समझते हैं. सो जो डायमंड है, although it is not a necessity, it is a luxury good, पर उसकी जो value होती है, उसके जो price होता है, वो ज़्यादा होता है as compared to water. Water on the other hand is a necessity. अब ऐसा कैसे हुआ कि जिस जो चीज़ हमारी necessity है, उसकी value तो कम है, और जो हमारी necessity नहीं है, rather it is a luxury good, उसकी जो वैल्यू है दैट इज मोर देन द वॉटर. सो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और डायमंड वॉटर पैराडॉक्स. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मार्शेलियन वर्ल्ड से हमने मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया है, जिसमें ही सेइंग कि जो एडिशनल यूटिलिटी है दैट विल एक्चुअली डिटरमाइन कि आपकी वैल्यू क्या होगी. द एडिशनल यूटिलिटी दैट द डायमंड गिव्स इज ग्रेटर देन द एडिशनल यूटिलिटी और द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर. सो दिस कॉन्सेप्ट, द मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन्स योर डायमंड वाटर पैराडॉक्स और द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. नाउ आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू को सॉल्व करता है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Moving on an difference curve toward the right on a point with more of one quantity and the less of other quantity will result in A. Same satisfaction, B. Greater satisfaction, C. Maximum satisfaction and D is decreasing expenditure. So let us understand the indifference curves only. So question में कहा है कि जब एक ही indifference curve में we move along राइट हैंड साइड और ऑन अ इंडिफरेंस कर्व एंड वी कंज्यूम मोर और वन क्वांटिटी. अब यहाँ पे एक्स की हम ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं एंड लेस ऑफ अदर क्वांटिटी वाई, तो क्या होगा? सेम सेटिस्फेक्शन होगी, मोर सेटिस्फेक्शन होगी, क्या होगा? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सेम सेटिस्फेक्शन. सेम सेटिस्फेक्शन होगी. क्यों सेम सेटिस्फेक्शन है? दिस इज अ लॉ ऑफ आईसीज ओनली. इंडिफरेंस कर्व का लॉ ही है कि आप इंडिफरेंट है उस कर्व पे, इसमें और इस क्वांटिटी में, पॉइंट ए और पॉइंट बी में यू आर इंडिफरेंट, और आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन दोनों पॉइंट्स पे वो सेम मिल रही है. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू नो द करेक्ट ऑप्शन इज सेम सेटिस्फेक्शन, पार्ट ए. I hope you have been answering in the chat box. Let us move on to our next question, question number 5. Suppose income elasticity of bread is 0.25. It means that the bread is inferior good, luxury good, necessity good or D part is can't say. So let us move on to the concept of income elasticity only. Income elasticity of demand refer to the sensitivity of the quantity demanded for a certain good
to exchange in real income of the consumer who buy this good and keeping all the other things constant. So, आपको income elasticity जो होती है वो sensitivity बताती है कि कैसे अगर income increase करता है तो उससे हमारे जो quantity demanded है उस पर क्या change हो रहा है. तो इसका मतलब है कि वो sensitivity बता रहा है. It is telling you that how much our income will affect the quantity demanded. So, जो necessity goods होते हैं जो हमारे question में पूछा है उसकी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 एंड पॉजिटिव 1. सो जब अगर कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन हमें ये पता चल गया एक तो ये पॉजिटिव है और ये 0 से 1 के बीच में है ब्रेड की इलास्टिसिटी. नाउ दिस इज अ नेसेसिटी गुड. सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू हैव बीन आंसरिंग इन द चैट बॉक्स एंड दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज सेशन. I hope you liked this video. If you did, please subscribe to our YouTube channel and please keep on working on your preparation. I know you are going to crack this exam and all the very best. Have a nice day.